मेरा मकसद ना मेरा दुनिया से ना ज्यादा वास्ता है। जिस्मानी कमजोरियां जरूर है मेरे अंदर, बहुत है, वो हर इंसान के अंदर होती है। I tried to overcome it, अगर वो हो जाए ठीक है। देख मैं हर सेक्ट के साथ बैठ सकता हूँ, ठीक है। मैंने हर सेक्ट के बारे में पढ़ा, मैंने रायवेंड वालों के साथ टाइम लगाया, मैंने अहले तशी के साथ टाइम लगाया, ठीक है, मैंने अहले हदीस से टाइम लगाया, मैं खुद अहले सुन्नत हूँ, ठीक है, मैं खुद नक्शबंदी सिलसिले का हूँ। मुझे हर सिलसिले से फैज लेना है, मुझे हर सिलसिले को जोड़ना भी है, ठीक है, ठीक है। और देखो यार, अल्टीमेटली बंदे का मकसद, अब मैं जब पूरी ज़िंदगी जब देखता हूँ ना, पिछले 25 साल, इस सारे 25 साल में ना सारी ज़िंदगी ना फजूल लगती है मुझे, सारा खेल तमाशा लगता है। अच्छा, 5 विकेट ले भी ली तो फिर क्या हो गया? आप उससे पूछे जिसने 1 विकेट भी ना ली हो, फिर क्या हो गया यार? ये दुनियावी चीजें हैं, नाम बन गया तो मेरे से पहले भी क्रिकेटर थे, मगर अल्लाह की देन है, चोजन, अल्लाह की देन तो है, टैलेंट है, लेकिन अल्लाह ने खेल कूद के मुझे नहीं पैदा किया ना। अब मैं खेला कूदा, मेरा नाम, वजह शोहरत मेरी ये बन गई, बिल्कुल ठीक है, कि मैं क्रिकेटर था, मैं फास्टेस्ट बॉलर हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे अल्लाह ने अहले ज़बान में बना दिया है, ठीक है जी, मैं बोलता भी तगड़ा हूँ जी, ठीक है जी, लेकिन अब मुझे यहाँ से अगला स्टेप क्या लेना है? मैं ये तो पूछ रहा था कि ये अगला स्टेप जो है ना यार, ये भीतरी की तरफ होना चाहिए। अब मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है यहाँ से, अब मुझे यहाँ से क्या ढूंढना है। दुनिया में फेम देख ली, पैसा देख लिया, ट्रैवलिंग कर ली, खा भी लिया, पी भी लिया, समुंदर का हर कीड़ा मकोड़ा मैंने खा लिया, गेम रिजर्व मैंने खा लिया, वाइल्ड लाइफ मैंने पूरी पढ़ ली, प्लैनेट अर्थ के बारे में जितना मैं पढ़ बैठा हूँ कोई शायद नहीं पढ़ा होगा, कुछ तकरीबन 500 औलिया इकराम के बारे में पढ़ बैठा हूँ, मैं 450 सहाबा इकराम के बारे में पढ़ बैठा हूँ, सबसे बढ़ के मैं आले बैत के बारे में पढ़ बैठा हूँ, फिर मैं आप इस्लाम की जिंदगी के बारे में पढ़ बैठा हूँ, अब मैं पढ़ बैठा हूँ, अब अमल की तरफ कैसे आऊँ मैं, वो जिंदगी कैसे अडॉप्ट हो जाए और मैं वो किरदार ऐसा अपना लूँ, वो इख्तियार में वो किरदार कैसे आ जाए जिससे मेरा इम्पैक्ट दुनिया में बैठे। मेरी वजह शोहरत तो शायद मैं हिस्ट्री का हिस्सा रहूँ, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ, मेरी वजह शोहरत शायद ये रहे, लेकिन मैं इस वजह से ज़िंदा नहीं रहना चाहता यार कि एक ये इंसान था, मैं इस वजह से ज़िंदा रहना चाहता हूँ यार कि एक अच्छा इंसान भी था, ठीक है, और अल्लाह की नज़र में जो बेहतर है वो बेहतर है, दुनिया की नज़र में वो बेहतर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। शुएब भाई, आप अपने YouTube पे इस किस्म की बात इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार वो समझते नहीं कि मेरी ज़िंदगी उन्होंने पता नहीं मेरी मीडिया ने पोर्ट्रे की हुई थी, हालांकि मैंने सियास सित्ता के साथ शरीयत और तरीकत भी पढ़ी हुई है जी, सुने अभी दाऊद से ले के सही बुखारी और सही मुस्लिम से ले के सारी किताबें पढ़ी हुई, ये एस्पेक्ट आप, ये आपकी पढ़ी हुई हैं। अच्छा, ज़ईफ हदीसों से हटा के मुस्तनद हदीसों से चीज़ें लेके फिर मैं रिलेट करता हूँ और अल्लाह जो चीज़ समझाता है फिर उसके बाद समझ लेता हूँ।